हेलो जी, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है संदीप मेहरा और आज हम करने वाले हैं आज की टू मैशअप। तो बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं जो बिल्कुल बिगिनर है और उनको कुछ ज़्यादा आता नहीं है, अभी गिटार थोड़े बहुत कॉर्ड पकड़ने आते हैं। तो आज मैशअप उनके लिए है जो लोग गाना बजाना चाहते हैं थोड़ी प्रैक्टिस करके, मतलब जिनको अभी थोड़ा बहुत आया प्ले करना है ना। तो हम आज इजी सा मैशअप करेंगे ओपन कॉर्ड्स में बिना कैपो के। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, क्योंकि एक आर्टिस्ट की मेहनत एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है ना, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, एक्चुअल में ये बात होती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर मैशअप की बात की जाए तो आज की टू के जो सॉन्ग्स हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, ऑल टाइम हिट जिसे बोलते हैं, वो सभी अलग अलग स्केल में है। तो हम मैशअप कर रहे हैं इसलिए हमें एक ही स्केल लेना पड़ेगा, क्योंकि मैशअप का मतलब ही यही होता है कि हमने एक स्केल में यानी कि एक लूप में पूरे गाने गाने होते हैं, है ना, बहुत से गाने जो उस स्केल के अंडर आ जाएं। आज हम जो मैशअप करेंगे वो होगा ई माइनर स्केल पे, जो फर्स्ट कॉर्ड होगा हमारा ई माइनर, ठीक है। डायग्राम आपको शो हो रहा है, तो जिनको बिल्कुल नहीं पता वो ई माइनर ऐसे पकड़िएगा डायग्राम के हिसाब से। तो ई माइनर पे हम सारे सॉन्ग्स करेंगे, बहुत से सॉन्ग्स थोड़े हाई चले जाएंगे और बहुत से सॉन्ग्स थोड़े से लो आएंगे, क्योंकि मैशअप कर रहे हैं ना हम। तो कोई भी गाना होता है उसकी कॉम्पोजिशन के हिसाब से उसका स्केल सेट किया जाता है कि उसका हाई नोट कितना लगेगा, लो नोट कहाँ तक आएगा। बट अगर हम मैशअप कर रहे हैं तो कोई सॉन्ग थोड़ा सा हाई लग जाएगा, कोई सॉन्ग थोड़ा सा लो रहेगा, बट जितने भी सॉन्ग्स हम करेंगे आज की टू के वो सब सुनने में अच्छे लगेंगे, बिलीव मी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए फिर गाना बजाना शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि पहला कॉर्ड हमारा ई माइनर, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल ईजी। सेकेंड कॉर्ड हमारा डी मेजर, बिल्कुल ईजी। थर्ड कॉर्ड हमारा सी मेजर, ठीक है। और एक गाने में स्केल चेंज हो जाता है, क्योंकि वो मेजर सॉन्ग का गाना है, वो है जी मेजर का, जिसे हम लास्ट में प्ले करेंगे। बाकी कॉर्ड्स तीन ही रहेंगे, ई माइनर, डी मेजर एंड सी मेजर, ठीक है। अगर हम एक गाने को छोड़ दें तो सभी गाने इन कॉर्ड्स में बच जाएंगे, ठीक है। तो कॉर्ड्स हमारे हुए ई माइनर, डी मेजर एंड सी मेजर, जो स्ट्रमिंग हम यूज करेंगे 4/4 की, कुछ इस तरह। Down, down, up, up, down, 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 up. Down, down, up, up, down, 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 up. Right? और अगर इस मैशअप को आपने एक अच्छे ढंग से एक अच्छे लेवल पे प्ले करना है, गाना बजाना है, तो उसके लिए आपको एक ही स्ट्रमिंग काफी नहीं है, आपको बीच में कुछ ऐसे डाउन डाउन स्ट्रोक्स भी ऐड करने पड़ेंगे, जैसा कि मैं करूंगा अभी थोड़ी देर में गाते वक्त, ठीक है। नॉर्मल डाउन स्ट्रोक, डाउन 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 डाउन, ठीक है, जिसे हम बिल्डअप भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे गाना बिल्डअप होता है। और बीच में मैं आरपेजियोस प्ले करूंगा। जिनको ये नहीं आती, जो बिल्कुल ही बिगनर है, वो अकेली स्ट्रमिंग में भी पूरे सॉन्ग्स गा सकते हैं, ठीक है। तो आरपेजियोस का लिंक आपको कार्ड में शो कर रहा होगा, यहाँ पर मैंने इस पर स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, उसको डिटेल में जाके आप देखिए, अच्छे से समझ आएगा, आपकी गिटार प्लेइंग बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी आरपेजियोस के बाद, तो एक बार जरूर देखिएगा वो वीडियो। सो गाना स्टार्ट करने वाला हूं मैं आरपेजियोस के साथ, उसके बाद मैं स्ट्रमिंग चलाऊंगा, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। मेरी यादों में तेरा जिक्र सदा, मुझको इरादे रे, मेरी बातों में तेरी फिक्र सदा, कसमें दे वाले रे, मेरे जो भी हो तुम ही तो हो। मुझे तुमसे मिली अपनी अदा, मुझको ना दिखना मुझ पे इतना इस पे होने लगा है दबाव।
तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आस की, अब तुम ही हो। तो गाइस ये कुछ टफ नहीं है, मैं बीच में आरपीजीओस प्ले कर रहा हूँ, कुछ ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ ना बिल्डअप, डाउन डाउन, फिर मैं स्ट्रमिंग चला लेता हूँ। थोड़ा सा अगर बिगनर हो तो ट्रिकी लग रहा होगा, बट ये बहुत इजी है। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा तो सिंपल स्ट्रमिंग प्ले कीजिए, सारे गाने ऐसे ही चल जाएंगे, ठीक है। सुन रहा है ना ऐसे बीच में हमिंग कोई गाना जैसे मर्ज करके उठा के यहाँ डाल दिया किसी की लाइन, क्योंकि हम मैशअप कर रहे हैं तो मैशअप का मतलब ही यही है कि हम सभी गाने को मर्ज कर दें, है ना। तो ऐसे ही आप कोई भी मैशअप बना सकते हो, बस याद रहे कि वो स्केल के अंदर आना चाहिए। और कुछ लोगों को जो स्केल डाउन लग रहा होगा तो आपने क्या करना है, कैपो लगा लेना है और सेम कॉर्ड्स प्ले करोगे, ठीक है। जैसे मेरे को ई माइनर लो लग रहा है तो मैं फर्स्ट फ्रेट पे कैपो लगा लूंगा और फिर ई माइनर ही प्ले करूंगा, ठीक है, तो काफी ईजी हो जाएगा। बहुत से लोगों ने कैपो वगैरह भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ओपन कोर्ड्स पे ही प्ले किया जाए, ठीक है, वरना मैं कैपो लगा के भी इसको प्ले कर सकता था। भुला देना मुझे ऐ अलविदा, तुझे तुझे जीना है मेरे बिना, सफर है तेरा रास्ता तेरा, तुझे जीना है मेरे बिना, जिस्मों के पीछे भागे हो फिरते, उतरो कभी रूह में, होता क्या आशिक क्या आशिकी है, खबर तब तुम्हें, टूटा हुआ साज हूँ मैं खुद से ही नाराज हूँ मैं, दिल में जो कहीं पे दबी है ऐसी कोई आवाज हूँ मैं, आ ढूंढ ले तू फिर मुझे, कसमें भी दूं क्या फिर तुझे, आशिक की बाजी है ताशिक, अब मैं सिंपल डाउन स्ट्रोक ले रहा हूँ, डाउन डाउन डाउन, आशिक की बाजी है ताशिक, डूबते बनते विश्वास की, अब सभी अश्कों में सिमटने लगे, अब सभी आंसू पलकों में लिपटने लगे, पिया है ना ओ पिया है ना, पिया है ना ओ पिया है ना, अपनी आंखें खाली कर दे, काश तू मेरी आँखें भर, हो मेरे यारा तेरे गम, अगर पाएंगे हम तेरी है कसम,
हम हर खुशी से यूं हर जाएंगे, हम हर जाएंगे, ओ, 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 हम हर जाएंगे। तो इसकी गाने की जो स्ट्रमिंग है वो थोड़ी सी चेंज है, डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप। ठीक है, मैंने बहुत सी वीडियोस में गाइस कवर किया हुआ है, तो अगर आपको नहीं आती है तो बेसिक सीरीज आप फॉलो कर सकते हो। आई थिंक लेसन नंबर 9th में मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रमिंग पैटर्न बताए हैं, तो जाकर जरूर देखिए एक बार प्लेलिस्ट में। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा, काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट अच्छे वीडियो में। लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक जरूर कर देना। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।